अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, YouTube की मोनेटाइजेशन के रिलेटेड न्यू पॉलिसी के बाद जिसके अंदर 4000 घंटे का वॉच टाइम अभी हर साल चेक किया जाएगा, तमाम बंदे खतरे में हैं। वो तमाम बंदे जिनके चैनल मोनेटाइज है उनको खतरा है कि अगले साल अगर उनका वॉच टाइम पूरा ना हुआ तो उनका चैनल डीमोनेटाइज कर दिया जाएगा, या फिर वो तमाम बंदे जो अभी अपना वॉच टाइम पूरा कर रहे हैं उनको भी ये डाउट है कि हम किसी तरीके से अभी पूरा कर भी लेते हैं तो नेक्स्ट ईयर हमारा शायद पूरा ना हो। तो आज मैं आपको तीन स्टेप, सिंपल से तीन सेटिंग बताऊंगा, अगर आप लोग अपने चैनल पर कर लेते हो तो आप लोगों का चैनल कंटिन्यूसली मोनेटाइज रहेगा, यानी हर साल उसका अपना वॉच टाइम खुद ब खुद पूरा होता रहेगा। और अगर अभी तक आपका वॉच टाइम पूरा नहीं हुआ तो आप इसके थ्रू बहुत ही जल्दी अपना वॉच टाइम पूरा कर लोगे। सो स्टार्ट दिस वीडियो, लेकिन उससे पहले अगर आप लोग चैनल पर नए हैं दिल्ली से चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ में बेल आइकन जरूर प्रेस कर लें इसी तरह इन्फॉर्मेटिव वीडियो जल्द से जल्द हासिल करने के लिए। तो गाइस, सबसे पहली चीज, YouTube ने भी नई पॉलिसी ले आया जिसके थ्रू अभी वॉच टाइम आपको हर साल पूरा करना पड़ेगा और 365 डेज का ड्यूरेशन होगा। अगर आपका उसके दौरान वॉच टाइम ना हुआ पूरा तो आपका चैनल वापस डीमोनेटाइज कर दिया जाएगा, और जब आप लोग उसको पूरा करेंगे दोबारा से अप्लाई करेंगे और अपने चैनल को मोनेटाइज करेंगे। सो इसके लिए आपको अभी से एहतियात करनी पड़ेगी, अभी से अपने आप को प्रिपेयर करने पड़ेगा, और इसी के लिए आप ये तीन स्टेप अपने चैनल के ऊपर चेक करने हैं। अगर आपने ये तीन सेटिंग कर रखी हैं तो आपका चैनल कभी भी डीमोनेटाइज नहीं हो सकता और आपका वॉच टाइम बहुत ही जल्दी पूरा हो जाएगा, जो कि मैंने पर्सनली तौर पर टेस्ट भी किया और अपने चैनल पर सेटिंग कर भी रखी है। तो स्टेप नंबर वन, सबसे पहले आप लोग अपनी यूट्यूब ऐप को ओपन करें और अपने चैनल के ऊपर चले जाएं, वहां पर प्ले लिस्ट में जाएं और वहां पर जाकर चेक करें क्या आपने अपनी प्ले लिस्ट क्रिएट कर रखी है। आपने जो भी कोर्सेज क्रिएट किए हैं, जो भी आपकी आपस में रिलेटेड वीडियो हैं, आपने उसकी प्लेलिस्ट बनानी है, और एक प्लेलिस्ट के अंदर कोशिश करें सिंपल एक ही चीज के रिलेटेड वीडियो हो। यानी जिस तरह मेरी वीडियोस हैं वॉच टाइम के रिलेटेड, वो एक प्लेलिस्ट में, सब्सक्राइबर के रिलेटेड एक प्लेलिस्ट में है, तो आपने इसी तरह अपनी प्लेलिस्ट क्रिएट करनी है। इसका बेनिफिट क्या मिलेगा? सबसे पहली चीज, जब आप लोग एक प्लेलिस्ट क्रिएट कर लेते हो और आपकी किसी भी वीडियो के ऊपर कोई भी व्यूज आता है, वो सर्च से आता है या फिर कमेंटेड से आता है, अगर आपकी वो वीडियो अच्छी होगी और वो कंटेंट उसे पसंद आएगा और उसी के रिलेटेड वो आपकी प्लेलिस्ट के अंदर डिफरेंट वीडियोस को वॉच कर लेगा, और इससे आपकी ओल्ड वीडियो जिसके ऊपर व्यूज बंद हो चुके हैं उसके ऊपर दोबारा से व्यूज आ जाएंगे, वो भी एक्टिव हो जाएगी और सर्च में आना शुरू हो जाएगी। सेकंड, जो आपकी एक वीडियो सर्च करके उसने देखी है, उसका वॉच टाइम जो आपको मिल गया, लेकिन जो उसके रिलेटेड वीडियोस थी, जो उससे कनेक्ट वीडियोस थी, उनके ऊपर वो जाएगा, उसका वॉच टाइम भी आपके साथ जुड़ेगा और आपका वॉच टाइम जल्दी से पूरा होगा और आपकी वो रिक्वायरमेंट जो आप लोग पूरा करना चाहते हो डेफिनेटली बहुत जल्द पूरी हो जाएंगी। स्टेप नंबर टू, आपने अपने क्रोम ब्राउजर के अंदर जाना है, सिंपल अपने चैनल में जाएं और वहां पर जाकर एनालिटिक्स में जाएं, वहां पर आपको 28 डेज की वो वीडियो शो हो रही होगी जिसके ऊपर अभी भी व्यूज आ रहे हैं। वो पॉसिबल है कि न्यू वीडियो हो या फिर ओल्ड वीडियोस भी हो सकती हैं। सिंपल आपने उन वीडियोस को देख लेना है, वो कौन सी वीडियो, उनको वन बाय वन आपने ओपन करना है और उसके अंदर आपने एंड स्क्रीन चेक करनी है कि आपने उस वीडियो के अंदर एंड स्क्रीन जो आपके लास्ट में दो वीडियो शो हो रही होती है, जिस तरह मेरी हर वीडियो के लास्ट में शो हो रही होती है, क्या आपने वो वाली वीडियोस लगा रखी है, और अगर आपने पहले से लगा रखी है तो जो वो वीडियो लगाई है क्या वो वीडियो इस वीडियो के रिलेटेड है, क्या ऑडियंस आपकी वहां से उस पर ट्रांसफर हो सकती है, क्योंकि हो सकता है स्टार्टिंग में आपने कोई भी वीडियो लगा दी हो अनजाने में, लेकिन अगर आपने वो वीडियो ऐसी वैसी लगा रखी तो आप लोग उसको चेंज करें और इसी वीडियो के रिलेटेड वीडियो लगाएं, क्योंकि अगर इस बंदे ने आपकी ये वीडियो पूरी वॉच कर ली और एंड पर पहुंच गया तो आप उस वीडियो पर जरूर जाएगा, उसके ऊपर जाकर जरूर क्लिक करेगा, इससे आपकी इस वीडियो की ऑडियंस उस वीडियो पर ट्रांसफर हो जाएगी। स्टेप नंबर थर्ड, जिसके अंदर आपने 28 डेज वाली वीडियो को भी और जो भी रिसेंटली वीडियो अपलोड कर रहे हो, नई वीडियो अपलोड कर रहे हो, उसको भी अप्लाई करना है। आपने वन बाय वन तमाम वीडियो को चेक करना है और उसके बाद जो भी नई वीडियो अपलोड करो उसके ऊपर भी आपने हर दफा ये जरूर लगाना है आई बटन। आई बटन के अंदर आपने अपनी एक वीडियो का लिंक ऊपर लगाना होता है, जो कि हर दफा मेरी वीडियो के ऊपर भी शो हो रहा होता है कि आप लोगों ने अगर वो वीडियो नहीं देखी तो उसको वॉच कर लें, वो वीडियो का लिंक लगाना है और उस वीडियो को रिलेटेड अपने वीडियो के अंदर बोलना भी है, जिस तरह कि आपको इस वीडियो में बताया जा रहा है कि आपने वॉच टाइम किस तरह पूरा करना है, इसके रिलेटेड कंप्लीट प्लेलिस्ट भी मौजूद है। अगर आपने वो वॉच नहीं की तो आपको उसका लिंक आई बटन में मिल जाएगा, उसको वॉच कर सकते हो। इसी तरह आपने 5 से 6 लिंक अपने आई बटन में दे रहे हैं, कम से कम 3 लिंक तो जरूर दें, क्योंकि अगर वो बंदा आपके डिस्क्रिप्शन पर क्लिक करता है उसको चेक करने लगता है तो उसके लास्ट में आपकी वीडियो शो हो जाएंगे डिफरेंट, जिसको वो क्लिक करके वॉच कर सकता है। लेकिन तमाम प्रोसेस के अंदर एक मेन प्रोसेस है, वो है आपका थंबनेल। आपने हर वीडियो का थंबनेल बेस्ट से बेस्ट बनाना है। आपको कुछ ओल्ड वीडियोस को जब आपको जरा एक्सपर्ट नहीं थे, आपने थंबनेल अच्छे नहीं बना रखे, तो उसको भी चेंज करके अच्छे से थंबनेल लगा दें, क्योंकि जैसे ही कोई बंदे के सामने वो थंबनेल आएगा तो अच्छा होगा, क्लिक बेट होगा, तभी उसके ऊपर क्लिक करेगा। आपकी जो भी है प्लेलिस्ट के अंदर है, आई बटन में, एंड स्क्रीन में या फिर अपने डिस्क्रिप्शन में शो होनी वीडियो, सबका उसे थंबनेल ही शो होगा और वही आई कैचिंग होना चाहिए। लेकिन आपने ये तीन स्टेप अपनी वीडियो के ऊपर जरूर लगाने हैं अगर आप लोग चाहते हैं कि आपका चैनल कभी भी डीमोनेटाइज ना हो और आपका अपना वॉच टाइम जल्दी से जल्दी पूरा हो जाए। आई होप सो ये वीडियो आपके लिए बहुत इंफॉर्मेटिव रही होगी, अगर अच्छी लगी लाइक कीजिएगा, दोस्तों से शेयर कीजिएगा, और अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया जल्दी से सब्सक्राइब कर, बेल आइकन जरूर प्रेस कर लें। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, अल्लाह हाफिज़।